हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सत्तम, योर गेमर गाइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पैल वर्ल्ड। आज हम देखने वाले हैं जो कि एक बॉस है न्यू प्लेयर्स के लिए, जो कि उसको सबसे जरूरी होता है स्टार्टिंग में उसको पकड़ना, एंड उसको हम एक ग्लिच के द्वारा पकड़ेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो का शुरू करें। तो गाइस, यहाँ पे हमने बेस तो बना लिया था प्रीवियस एपिसोड पे, जैसे कि आप देख सकते हो। बट एक चीज मैंने गलती कर दी कि स्टार्टिंग पे आपको यहाँ पे बेस नहीं बनाना है। हाँ, आप कुछ लोग मेरे को गाली दे सकते हो, एंड आई एम सॉरी बाबू, बट मेरे को जितना पता चला कि यहाँ पे स्टार्टिंग पे बेस बनाना सही नहीं है। आपको यहाँ पे बेस बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको बेस नहीं बनाना है। आप बाद में यहाँ पे बेस बना सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह देना पड़ेगा। बट अभी के लिए मेरे को यहाँ पे बेस को हटा के मेरे को एक अलग जगह पे बेस बनाना पड़ेगा। तब कैसे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, एंड मुझे आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी हम भाई करते हैं इसको, पहले सबको पैलेस को अंदर बुला लेते हैं। ओके, हमने अंदर बुला लिया। अब हमको ये जो बेस है इसको अभी डिसमेंटल कर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, भी से डिसमेंटल बेस। ओके, यहाँ पे हमने डिसमेंटल कर दिया। कोई भी स्ट्रक्चर हम डिसमेंटल नहीं करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर जो जैसा है हम वैसा ही रहने देते हैं अभी के लिए, फिलहाल यही काफी है। बट हमको एक फ्लैट सरफेस एरिया पे जाके बेस बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं एक फ्लैट सरफेस एरिया अच्छा खासा देख लेता हूँ, एंड वही जगह पे जाके बेस बनाएंगे। गाइस, जैसा कि देख सकते हो, ए वाला बेस मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। पहले वाला बेस जो था वो सही था, बट वहाँ पे एक दिक्कत है कि इतना मतलब खुला जगह उस पर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा बनाया हूँ। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लॉन्गिंग है, ठीक है, वुड के लिए बनाया हूँ, ठीक है। उसके साथ स्टोन के लिए बनाया हूँ। यहाँ पे कुछ चेस्ट आप जैसा कि देख सकते हो, सामने मैंने रखा था कि यहाँ पे कलेक्ट करो वुड एंड यहाँ पे रख दो। लाइक यहाँ पे अगर मैंने वुड कलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने वो रख दिया, ठीक है, स्टोन रख दो, बस हो गया। यही काम कर किया यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, मैंने मेरे पास अभी 6 पैल सभी यहाँ पे है, एंड ये जो इकित डियर है, अर्थ डियर, ये सबको मैंने पकड़ा हूँ, ठीक है। ये लोग मतलब ये डियर्स जो है ये बहुत अच्छा मतलब जो है वुड कटिंग का जो काम करता है बहुत अच्छा करता है, ठीक है, लकड़ी का जुगाड़ कर देता है, तो इसीलिए मैं ये दोनों को पकड़ा हूँ। एंड उसके साथ इसको तो हमने को फ्री में मिला था, पुराना एपिसोड पर आपने देखा होगा। तो इसको यहाँ पे जैसा कि आराम से पानी फेंक रहा है अपना, ठीक है, तो ये काम अच्छे से कर रहा है। एंड यहाँ पे दो मैंने बेरी प्लांटेशन के लिए जो है बेरी प्लांटेशन के लिए रख दिया, 6 बेड हो गया। एंड उसके साथ यहाँ पे पैल बॉक्स है, एंड एक साइड पे देख सकते हो थोड़ा दूर है, बट कोई बात नहीं, एकदम पूरा बेस अपना भी एम्प्टी है, ठीक है। बहुत टाइम के बाद हम इसको अपग्रेड कर लेंगे जैसे जैसे टाइम होगा। यहाँ पे जैसे अपना गियर के लिए एक बनाया है हमने, ठीक है, यहाँ पे अपना जो गियर्स अपना टूट जाएगा लाइक ये वाला जैसा कि देख सकते हो, तो इसको हमने रिपेयर, ठीक है, रिपेयर कर लिया हमने। फिर इसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे देख सकते हो जितने भी चीज़ें बनाना पड़ेगा। एंड ये है पैल का, ठीक है, ये पैल पे अगर राइड करना हुआ तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए पैल वर्कबेंच ये हमने बनाया। तो अभी जैसे देख सकते हो, यानी स्टैचू भी हमने बना लिया, ठीक है। ये जो स्टैचू है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कैप्चर रेट इंक्रीज किया, एंड ये जो पैल का है इसका भी मेरे पास कुछ भी मिला नहीं, तो जब मिलता रहेगा ये जो सोल्स जैसा है चीज़ें, तो उसको हम पैल का जो पावर है वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये है अपना न्यू बेस। एंड अब बिना मैं टाइम वेस्ट करिए, मैं सीधा चलता हूँ अपना जो है बॉस को जो पकड़ना है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैन सिंडिकेट टावर पर हमको जाना पड़ेगा, बट रैन सिंडिकेट टावर से पहले हमको यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्मॉल सेटलमेंट नाम का एक जगह है, पे जाना पड़ेगा एंड जाके कुछ ग्लिच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, जल्दी से जाके शुरू करते हैं कि ग्लिच को कैसे करते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एंड वो कैसे बॉस को पकड़ते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि देख सकते हो हम पहुंच गए हैं स्मॉल सेटलमेंट पे। तो यहाँ पे आपको आना पड़ा पहले, एंड यहाँ पे एक फास्ट ट्रैवल है वो अनलॉक कर लेते हैं भाई, ताकि हम बाद में आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गार्ड है, इससे हमको पंगा लेना है, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लिया है ना, हमने ये भी अनलॉक कर लिया था, ठीक है, रैन सिंडिकेट जो फास्ट टावर है जो है फास्ट ट्रैवल का। अब हमको पंगा लेना है इनसे, वन शॉट हमने मार दिया। अब वो अपना पीछे आएगा एंड हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा रेन सिंडिकेट टावर, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी जैसे अपना GTA में भी होता है, यहाँ पे अपना वो भाई वो लोग गोली भाई अभी भी स्टार्टिंग में गोली चला रहा है भाई। अरे यार, मैं वांटेड हो गया, ठीक है, जैसे GTA में वांटेड रहता है, इस पर भी वांटेड लेवल आ गया। अब हमको बस यहाँ पे ओके, तो हम अभी वांटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लिच होता है या नहीं वो हम चेक करते हैं, ठीक है। ओके, एंड
यस देख सकते हो गाइस, जैसे बॉस आ रहा है, बॉस के सामने देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे मतलब गोली चला रहा है, ठीक है, कॉप्स। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे इंट्रो है बॉस का, ठीक है, बहुत खतरनाक बॉस है, बट इसको हम ग्लिच से पकड़ेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले भागना पड़ेगा, जिंदा रहने का कोशिश करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ मैं जिंदा रह पाता हूँ या नहीं। एंड जब भी वो एनिमी जो है अपना पुलिस जो है कॉप्स, इसको जैसे गोली मारेगा एक साइड पे जाके खड़ा हो जाएगा, तब भी हमको इसको पकड़ना है, बस एक बार स्पीयर फेंक देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ओके गिजरी बॉल जो है भाई, अब हमको यहाँ से इससे बचना पड़ेगा भाई। ओके भाई ये बहुत खतरनाक है इसका टारगेट, ठीक है बच गया। थोड़ी देर हमको बस इससे बच के रहना पड़ेगा, जैसे कॉप्स भाई इससे बच के रहना पड़ेगा, बस मरना नहीं है, ठीक है। एक गोली उस पर पड़ जाए फिर ऑटोमेटिक वो भाग जाएगा। भाई साहब आधा हेल्थ खा गया यार, अबे यार बचो बचो बचो, अबे यार बचो 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 बचो। ओके बच गया भाई, इसको गोली मारो यार, कोई तो गोली मारो इसको, अबे गोली मारो यार इसको, अभी भी गोली मार नहीं मार रहा यार, क्या कर रहा है ये लोग। कॉप्स मारो उसको, गोली मारो भाई। ओके मेरे को मार रहा है, चलो बच गया। इसको गोली मारा नहीं, अभी तक इसको गोली नहीं मारा भाई, इसका अभी गोली नहीं मारा यार, इसको गोली मारो यार, गोली मारो भाई। यार मेरे को गोली क्यों मार रहे हो, अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे अरे यार, इसको मारो, इसको कोई मारो भाई, अबे इसको मोटे को मारो, इसको मारो, इसको मारो। तो भाई 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 भाई, अबे क्या कर रहे हो ये लोग, तुम लोग देख रहे हो मेरे को गोली चला रहा है भाई, इसको गोली नहीं चला रहा भाई। भाई हंस रहा है भाई, अबे यार अबे मैं गया, पक्का मैं गया भाई। ये लोग मेरे को गोली मार रहा है भाई, उसको नहीं मार रहे, क्या क्या उसको मार दिया क्या, ओके मार दिया उसको। देख सकते हो गाइस वो एक जगह पे खड़ा हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे। अबे नहीं हुआ, कैसा लगा मेरा मजाक, हो जाता था भाई यार। यहाँ पे गोलियाँ अंदर आ गए क्या वो लोग, देखते हैं एक बार, उसके बाद स्किप मारेंगे। वो लोग अंदर आ गए हैं, ठीक है, एक तो उसको मारो यार, अब मैं बस भागता रहूंगा, ठीक है। ओके मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, अरे ये लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हो, एक जगह खड़ा हो गया भाई, क्यों। ओके काम कर रहा है ग्लिच, यस बुया। तो अब हमको टेंशन नहीं है क्योंकि हमने इसको पकड़ लिया भाई, जैसे कि आप देख सकते हो भाई साहब, नाइस ग्लिच काम कर रहा है भाई, सही है यार। तो इस ऐसे आपको पकड़ना है भाई, देख सकते हो ये अभी तक मेरे को मतलब मार रहा था, हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। मतलब क्या कर किया हमने, कि हमने वहां से बस भागते रहे, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, रिस्पॉन मारना पड़ेगा, ठीक है, बस रिस्पॉन मार दिया एंड अपना काम कंप्लीट भाई साहब। तो ऐसे आपको पकड़ना है गिरी वर्ल्ड को। तो फास्ट वाला जो था वहाँ पे हमने ट्राई किया था, मे भी कुछ गलती हो गई थी शायद उससे, बट उसलिए ग्लिच काम नहीं कर रहा था, बट फाइनली हमको मिल गया बहुत तगड़ा भाई इनसेन बॉस है, ठीक है। तो इसको हमको अब यहाँ पे इसको हटाओ एंड इसको लगा दो, ठीक है। एक काम करते हैं, हम दोबारा ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, एक बार, एक सेकंड, पहले मैं रैंड से निकट टार में जाके देखता हूँ, क्योंकि इसका एक कूल डाउन टाइम आ जाता है, क्या मैं एक और गिजरी बोल्ट पकड़ सकता हूँ, ठीक है, देखते हैं एक सेकंड टाइम क्या है, टाइम कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से जल्दी रैंड सिंडिकेट टावर से पे है, अभी एक बार स्मॉल सेटलमेंट जाते हैं एंड फिर से एक ग्लिच ट्राई करेंगे एंड एक और गिजरी बोल्ट पकड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं कॉप्स आ गए हैं या नहीं। ओके ओके गन का आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब कॉप आ गए हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं फिर से काम आता है या नहीं। ओके ओके कॉप अंदर आ गए हैं, हम इसे अभी स्किप मार रहे हैं सीधा। ओके कॉप आ गए हैं यहाँ पे, ओके मेरे को बच के रहना पड़ेगा, मरना नहीं है उसको। भाई साहब एचपी कम हो गया यार उसको, कॉप वो मतलब वो जैसे मेरे को मारतेगा, ठीक है, वो कॉप एक कॉप को मारेगा, एक गोली उसको देखो, देखा है उसको, एक कॉप ने एक गोली मारा, अब वो भाग रहा है, अब भाग रहा है, वो खड़ा हो गया, अब फिर अबे गड़बड़ हो गया, नहीं इस बार ग्लिच काम नहीं किया क्योंकि इम्यून टू आ गया, वो इम्यून टू नहीं आएगा, ठीक है, एक गड़बड़ हो गया, ठीक है, नहीं होगा, बेकार मैं स्पीयर स्पेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पे हमने फेल्ड हो गया भाई, ये वाला फेल्ड हो गया हमने एकदम सामने, मतलब एकदम ग्राउंड पे। ओके एक एक गोली मार दी, उसको पीछे से अटैक करना है भाई साहब, ठीक है, वो जा रहा है, भाग रहा है, प्लीज हो जा, ओके हो जा, हो जा, ओ यस बुया।
दो हमको मिल गया भाई, दो ही एनाफ है अपने लिए, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, रिस्पॉन। तो एक ग्लिच आपको ऐसे करना है एंड आपको मिल जाएगा गिजरी बोल्ट, जो कि आप देख सकते हो। एक मैंने यहाँ पे बेस पे लगा दूंगा काम पे, ठीक है। दो दो गिजरी बोल्ट हो गया भाई, दोनों अपना देख सकते हो। एंड एक चीज है, यहाँ पे जो गिजरी बोल्ट मिलेगा वो दोनों फीमेल टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे पैल का आप देख सकते हो, राइट साइड का डिटेल्स पे वहाँ पे दिखेगा। एंड गिजरी बोल्ट का एक अच्छा चीज़ है कि आप जैसे देख सकते हो, ये पैकेजिंग भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। पैकेजिंग पे आप देख सकते हो जो है 3 है पैकेजिंग का, वुड में भी 2 है, तो मतलब इसको आप काम में भी लगा सकते हो। एंड मतलब बढ़िया है आपके लिए, बहुत बेस पे बहुत ज्यादा काम करेगा। तो गाइस यही था वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।